तो गाइस बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मैं अभी आया हूँ नेपा नगर की। ये पांडा नदी है, ये देखिए आप, ये पांडा नदी जिसमें जो है अभी पूर तो आया नहीं है लेकिन नदी का जो पानी है थोड़ा सा बढ़ चुका है, आप देख सकते हो। मैं नहीं जानता आपको मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही क्योंकि बारिश यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही है। ये देखिए पांडा नदी है नेपा की और अभी इसमें जो है पूर आया नहीं है, तो ये मैं आपको एक साइड का दिखा रहा हूँ। और देखिए अब हम चलते हैं दूसरे साइड में, ये है दूसरी साइड नदी की। और ये देखिए आप, अभी जो है नदी में थोड़ा पानी भरा है, मतलब अभी पूर आया नहीं है और जिस तरह से बारिश हो रही है तो डेफिनेटली लगता है कि पूर जल्दी ही आ जाएगा। अभी हम पुल पर जा रहे हैं दोस्तों कांधा नदी के, क्योंकि वहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा दिखेगा आपको पूर का और बहुत बढ़िया दिखता है दोस्तों वहाँ से दोनों तरफ का नज़ारा कि कितना पानी है। क्योंकि मैंने आपको जब इससे पहले लेकर गया था तो कम पानी था वहाँ पर और अब हम चले गए तो आपको अब दिखेगा कि पानी कितना ज़्यादा हो आ चुका है और नदी कितनी भर चुकी है। तो बस मैं पुलिया पर पहुँचने ही वाला हूँ और फिर हम देखेंगे कितना बेहतरीन यहाँ से नदी का पुल दिखता है दोस्तों। दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ पांडा नदी पर और इससे पहले मैं आया था मैंने आपको दिखाया था कि पानी यहाँ पर बहुत कम था, लेकिन अब आप देखिए, ये देखिए दोस्तों अब जो यहाँ पर पुल आ चुका है और मैंने आपको बोला था ना कि पूर मतलब बहुत ही जल्दी आने वाला है। देखिए अब इस नदी में पूर आ चुका है, ये देखिए दोस्तों कितना पानी बह रहा है यहाँ पे पांडा नदी में। मैंने आपसे कहा था ना कि इस नदी को बहुत ही खतरनाक तरीके से पूर जो है आता है और ये देखिए आप, देखिए गाइस कितना पानी भर चुका है यहाँ पर, आप देख सकते हो इस नदी में। और देखिए यहाँ पर लकड़ी पकड़ी हुई है और ये देखिए आप दोस्तों बहुत ज़्यादा पानी आ चुका है पांडा नदी पर। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, आप देखिए व्यू कितना यहाँ पे पानी दिख रहा है दोस्तों, कितना पानी यहाँ पे भर चुका है आप ये देख सकते हो, बहुत ज़्यादा पानी भर चुका है। और दोस्तों ये देखिए वहाँ से कई सारे जो लोग हैं वहाँ पर सब देख रहे हैं नदी का पुल कितना नदी में पानी हो चुका है और बहुत दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर पानी आ चुका है इस नदी के अंदर। दोस्तों आप देखिए नेपा नगर की जो पुलिया है, देखिए आप कितना यहाँ पे जो है पानी आ चुका है, ये देखिए आप सिर्फ जरा सा पुल बचा है डूबने के लिए। और यहाँ पे देखिए दर्शक देखने वाले तो देखिए दोस्तों कितना, मैं आपको इस साइड से दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ओह माय गॉड दोस्तों देखिए कितना पानी भर चुका है यहाँ पे, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता यहाँ पर। देखिए दोस्तों बहुत पानी भर चुका है यहाँ पे, बहुत आगे दोस्तों यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा पानी भर चुका है यहाँ पे नेपा नगर में, मतलब आशंका है कि ये पुल ना डूब जाए। देखिए कितना बड़ा पुल था यहाँ पर और आप देख सकते हो, ये देखिए ये पानी आ गया यहीं पर। देखिए दोस्तों ये पुलिया है और पुलिया के नीचे से कितनी बड़ी पुलिया दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए आप, देखिए आप कितना पानी आ चुका है अब इस नदी में, कांट एक्सप्लेन दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ दोस्तों, बहुत पानी आ चुका है। ये देखिए आप चारों तरफ यहाँ पे पानी ही पानी, जो घर है उस घर में पानी घुस चुका है, देखिए बहुत बड़ा पूरा आ चुका है दोस्तों पांडा नदी को। दोस्तों एकदम से जो इस नदी का पानी बढ़ चुका है, देखिए जल स्तर कितना बढ़ चुका है नदी का, ये देखिए कितना यहाँ पे पानी आ चुका है नदी में और पूजा डूबने ही वाली है। दोस्तों आप देखिए यहाँ पे कितना पानी आ चुका है और ये मेरा मोहल्ला है, मेरी कॉलोनी में, और देखिए पानी यहाँ पे आ चुका है, यहाँ तक पूरा भर चुका है नदी का पानी। ये देखिए सामने नदी का पानी गहरा हुआ है और ये देखिए हमारे मोहल्ले में कॉलोनी में यहाँ पे पानी घुस चुका है और काफ़ी सारे यहाँ पे देखिए लोग हैं, हमारे सब जमा हो चुके हैं लोग और देखिए वहाँ पर कितना ज़्यादा पानी, जैसे कि मैंने आपको पुलिया पैसे दिखाया था। और आप यहाँ देखिए ये हमारा यहाँ का शिव मंदिर है हमारे मोहल्ले का, और ये देखिए दोस्तों पानी यहाँ तक आ चुका है, यानी कि मंदिर के चारों तरफ जो है पानी भर चुका है। गाइस हम चलते हैं आगे, ये देखिए पानी कितना भर चुका है यहाँ पर, मैं पानी के अंदर चल रहा हूँ और ये हमारे सारे मोहल्ले के कॉलोनी के लोग हैं दोस्तों, देखिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और दोस्तों बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर भर चुका है, ये देखिए मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ नदी कितनी गहरी दिख रही है, यहाँ से कितनी नदी में पानी दिख रहा है, ये देखिए मजा आ रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पानी आ चुका है, ये देखिए आप ये कितनी लहरें यहाँ पे जो है पानी मार रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा पानी हो चुका है,
मतलब पानी का जो प्रेशर है दोस्तों बहुत बढ़ चुका है, और मंदिर भी मतलब मंदिर के अंदर से पानी जा रहा है, डूब चुका है ये देखिए आप देख सकते हो। और इसकी जो लहरें है, इसकी जो लहरें दोस्तों बहुत ही तेजी से आ रही है हमारे पास में। इतना अभी पानी हो चुका है जो कि हमारे मोहल्ले में घुस चुका है पानी। और अगर मेरी बात बताऊँ दोस्तों, मैं पहली बार देख रहा हूँ, मतलब यानी कि मेरी लाइफ में कि इतना पानी जो है हमारे यहाँ पे आया है पहली बार। ये देखिए आप कितना पानी आ चुका है, और हमारे मतलब अगर ये चलता रहा दोस्तों कंटिन्यू, तो हमारे घर यहाँ पे जो है डूब सकते हैं, क्योंकि पानी आप देख सकते हो कितना यहाँ पे पानी भरा चुका है दोस्तों। वो उधर हमारे घर है दोस्तों, और घर के पास जो पानी गुजर रहा है आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही मतलब ये देखिए मंदिर में भी कितना पानी आ चुका है यहाँ पे। ये आप देखिए कितना मंदिर के अंदर जो पानी घुस चुका है। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है हम सारे लोगों के लिए, हमें यहाँ से हो सकता है घर खाली करके भी जाना पड़े। तो ये मंदिर है, और देखिए कितना यहाँ पे देखिए मंदिर में से देखिए पानी चारों तरफ जो है पानी घुस चुका है। कई साल बाद मतलब मैं तो पहली बार मेरी लाइफ में जीवन में पहली बार देख रहा हूँ दोस्तों इतना पानी है यहाँ पर। देखिए दोस्तों यहाँ देखिए गाइस, ये देखिए यहाँ पर इस घर में जो है पानी घुस गया है, और ये मैं पुलिया के पास में आया हूँ। तो देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ है, ट्रैफिक लग चुका है क्योंकि जो पुलिया है वो डूब चुकी है यहाँ की। देखिए मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ गाइस, ये देखिए दोस्तों कितना पानी जो है पांधा नदी पर भरा चुका है। और अभी मैं इससे पहले थोड़ी देर पहले आया था, मैंने आपको दिखाया था हम पुल पर थे, लेकिन आप देख सकते हो आप इतना बड़ा पांधा नदी का पुल जो है डूब चुका है पूरा। और हमने वहाँ से देख रहे थे कि हमारे घर के पास तक पानी आ चुका है, और यहाँ पर भी आप देखिए कितना पानी जम चुका है दोस्तों यहाँ पे। और यही वजह है देखिए दोस्तों यहाँ पर लोग हैं सारे जो है, रास्ता जो है पूरा ब्लॉक हो चुका है, यहाँ पर ट्रैफिक हो चुका है क्योंकि आगे जा नहीं सकते, आगे के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। दोस्तों बहुत ज़्यादा पानी आ चुका है नदी में, आप देख सकते हो मैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया, और घर पे भी जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि घर में भी जो है पानी घुस चुका है। तो फ्रेंड्स तो दोस्तों फिलहाल जो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि घर पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर अगर पानी घुस गया ना तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ये तो मैं आपको दिखाने लाया था यहाँ पर कि यहाँ पर कितना जो है पुलिया डूब चुकी है। अब हम चल रहे हैं घर, और फिलहाल इस वीडियो को इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ दोस्तों, घर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी जाना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।